खत्म। तो बोलो आप सब लोग साथ देंगे तो हाथ उठा के बोलो साथ देंगे मजबूती के साथ। नासिर उस्ताद आपका भाई है बोल के करना काम। ये जो नाटक कर रहे हैं मैडम ये 5 साल में क्या कर रहे हैं पहले वो बताइए। अरे बहुत बड़े मौलाना ही घर में जाते ही उनकी सुनना पड़ता है, है ना? ऐसी खियादत क्या करना कमरुल इस्लाम था, अब उसके तौर पे जो है नासिर हुसैन उस्ताद है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road Gulbarga. ऐसे का तस्करा करना बेहतर नहीं है जो नुकसान देह है, ऐसे का जिक्र करें जो फायदा मंद है। तो हमारे नासिर हुसैन साहब के मुताल्लिक आप पूरी खवातीन पर जिम्मेदारी है अल्लाह के लिए अपनी इज्जत अपनी शान और अपनी मर्यादा को बाकी रखने के लिए अब ये मामले में आप खुद बनना नासिर। इन्होंने अब आप खुद ये आपका भाई आपका बेटा हैं जो भी है आप इन हर नमाज में दुआ भी करना और काम भी करना अपने ख़ानदान में, क्योंकि औरतों की आदत होती है जहाँ चले वहाँ बात करते, है ना, रस्मा में शादियाँ में इसमें उसमें, और तुम्हारी बात का इतना असर होता है क्योंकि हम भी 20 साल से प्रैक्टिस में हैं। बाहर बहुत बड़े मौलाना ही घर में जाते ही उनकी सुनना पड़ता है, है ना, पूरा हिंदुस्तान फिर तुम्हें तकरीर के लिए, मगर घर में बोलते ही रहने दे तकरीर ये काम करो बोले जाना। हाँ तो आपका असर अब आप पर जिम्मेदारी है अपनी औलाद को इज्जत की ज़िंदगी देना है, खौफ से डर से निकालना है, तो आप मेहनत करना और ये कुछ दिन आपकी मेहनत हमेशा के लिए आराम है। ये जो नाटक कर रहे हैं मैडम बिल्कुल नाकाम का नाटक है, ये 5 साल में क्या कर रहे हैं पहले वो बताइए। 5 साल में कोरोना जब हुआ था यहाँ पे हमारे महल्ले के बच्चे 10 से 12 बच्चे जबकि सर्टिफिकेट लाए वहाँ से नेगेटिव सर्टिफिकेट है उनको जो है ले जाके 14 दिन के वास्ते हिरासत में रख दिया गया। उसके बाद जो है मैडम का ये जो मामला है पुलिस को डरा नहीं सकते, पुलिस उनके अंडर में होने का उन्हें इनके अंडर में हो गए। अरे ऐसी खियादत क्या करना कमरुल इस्लाम था, अब उसके तौर पे जो है नासिर हुसैन उस्ताद है। मैं चाहता हूँ कि हर खवातीन अपने अपने ये 20 से 25 लोग हैं ये 50 मकानों को बोलना चाहिए, आप एक एक औरत 50 मकानों को बोल के जो है सही खियादत की जो है हमारे को जो है हिम्मत अफजाई करने के लिए हमको जो है यहाँ चुनना चाहिए नासिर हुसैन उस्ताद को। 2000 रुपये दे तुम रहे हमारी हुकूमत आई तो घर के बड़े औरत को 5000 रुपये हम देंगे, कितने उन्होंने 2 बोले थे हम 5। ये बात 5000 2000 के बात नहीं है, ये इलेक्शन कौन भी जीते दे तुम्हारे को 2000 से 5000 मिलने वाले थे उसके बारे में फिक्र मत करो तुम्हें, मगर तुम्हारे लिए आवाज़ उठाने वाला मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाला होना नहीं होना। 5000 2000 मिल रहे हैं 5000 भी मिल रहे हैं। आज मुसलमानों के खिलाफ मामला माहौल कितना बड़ा है, हजरत टीपू सुल्तान के खिलाफ बात हो रहे हैं, सुन रहे हैं आप नहीं सुन रहे आपको नहीं मालूम। एक नायल बीजेपी का आदमी कल बयान देता है परसों 2 दिन पहले ये अजान की आवाज़ सुने तो उसको सिर में दर्द हो रहा था, ईश्वर अप्पा बोल के बीजेपी का मिनिस्टर था, कर्नाटका का डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, मैं बोला उसको बयान दिया बेशक अजान की आवाज सुने तो शैतान को सर में दर्द होता होता है। मैं बोला तेरा सर दुखना ये साबित कर रहा है कि तो शैतान की औलाद है। आपसे वही पूछने आए कि आप साथ देंगे, आवाज नहीं आ रही हम आपकी। ऐसे का तस्करा करना बेहतर नहीं है जो नुकसान देह है, ऐसे का जिक्र करें जो फ़ायदा मंद है। तो हमारे नासिर हुसैन साहब के मुताल्लिक आप पूरी खवातीन पर जिम्मेदारी है अल्लाह के लिए अपनी इज्जत
अपनी शान और अपनी मर्यादा को बाकी रखने के लिए अब ये मामले में आप खुद बनना नासिर, इन्होंने अब आप खुद ही आपका भाई आपका बेटा हाँ जो भी है आप हर नमाज में दुआ भी करना और काम भी करना अपने ख़ानदान में, क्योंकि औरतों की आदत होती है जहाँ चले वहाँ बात करते है ना, रस्मा में शादिया में इसमें उसमें, और तुम्हारी बात का इतना असर होता है क्योंकि हम भी 20 साल से प्रैक्टिस में हैं, बाहर बहुत बड़े मौलाना हैं, घर में जाते ही उनकी सुनना पड़ता है ना, पूरा हिंदुस्तान फिर तुम तकरीर के लिए, मगर घर में बोलते ही रहने दे तकरीर ये काम करो बोले जाना हाँ। तो आपका असर अब आप पर जिम्मेदारी है, अपनी औलाद को इज्जत की ज़िंदगी देना है, खौफ से डर से निकालना है, तो आप मेहनत करना और ये कुछ दिन आपकी मेहनत हमेशा के लिए आराम है। गारंटी कार्ड चावल गिवल 2000 का पैसे किसे मिलते हैं क्या बोल के खाना कितने दिनों का ये खाए तक की चेक खत्म। तो बोलो आप सब लोग साथ देंगे तो हाथ उठा के बोलो साथ देंगे मजबूती के साथ। नासिर उस्ताद आपका भाई है बोल के करना काम। अस्सलाम वालेकुम, नासिर उस्ताद आए थे यहाँ पर, मीटिंग अच्छी हुई, पूरी ख्वातीन का उनके साथ साथ है, हमारी दुआ है उनको कामयाब कर अल्लाह ताला। उस्ताद आए थे भाईजान, उन्होंने आकर बोले मीटिंग करे हम उनको जिताएंगे इंशाल्लाह, दुआ करेंगे हर हमेशा। नासिर उस्ताद भाईजान आए थे आपके लिए ख्वात के वास्ते, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे उनको आगे बढ़ के उनका काम कर देंगे इंशाल्लाह, जिताएंगे।